हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन नो वे होम से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे कुछ चेस्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो सभी ने स्पाइडरमैन नो वे होम तो देखी होगी और इसकी सक्सेस के साथ साथ इसका मनी भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम ने डोमेस्टिक में 4th नंबर पर आ चुकी है और उसने ब्लैक पैंथर को पीछे छोड़ दिया है। आप खुद देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक लिस्ट जिसमें कि स्पाइडरमैन नो वे होम 4th नंबर पे आ चुकी है और ब्लैक पैंथर 5वें नंबर पे आ चुकी है और फाइनली वो अवतार को भी बीट करेगी धीरे धीरे। तो मैं तो चाहता हूँ कि यार ये टारगेट हो। तो फाइनली क्रिस्टिन जो कि अपकमिंग स्पाइडरमैन मूवी में रिटर्न हो सकती हैं, ऐसे रूमर चल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ यार ये सारे कैरेक्टर वापस आएं और फिर से धमाका हो थिएटर्स में। और क्रिस्टिन ने एक और चीज़ रिवील्ड करी थी कि स्पाइडरमैन मूवी में उनका एक आइकॉनिक किस था जो कि शायद उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता, तो वो उनको आज भी याद है। और देन उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 से रिलेटेड अपडेट ये है कि आपको केला देखने को मिल सकती है जो कि कॉमिक बुक कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ का ही, तो रूमर चल रहा है, अगर कंफर्मेशन आती है तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इकारिस जो कि इन्हीं इंटरनल्स का मेन कैरेक्टर था, लीडर था, तो फाइनली वो रिटर्न होगा आने वाली एमसीयू फ्यूचर मूवीज में भी। उसी के साथ एक रूमर और आया बहुत तगड़ा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में आपको डेडेविल देखने को मिल सकता है, पुराना वाला, जिसका कैरेक्टर प्ले करेंगे बेन अफ्लेक। ये भी कमाल का है। तो उसी के साथ टॉम हॉलैंड ने एक और धमाकेदार अपडेट दिया कि वो चाहते हैं कि स्पाइडरमैन मूवी और भी बने और कम से कम 10 मूवियां बने, तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। पर अभी हाल ही में उन्होंने ये भी बोला कि मुझे ब्रेक भी चाहिए। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी एक हॉरिबल हो सकती है। जी हाँ, काफी लोगों ने यह बताया है कि इस मूवी में आपको काफी ज्यादा हॉरिबल मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। उसी के साथ एंड्रू गारफील्ड ने एक और चीज रिवील्ड करी कि वो आने वाली फीचर मूवी में टॉम हार्डी वेनम के साथ फाइट करना चाहते हैं अपकमिंग वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन मूवी में। साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज रिवील्ड करी कि एमा स्टोन का एक कैमियो था स्पाइडरमैन नो वे होम में, वो भी एक फोन के द्वारा, तो वो कैंसिल कर दिया, सीन हटा दिया गया। और उन्होंने एक और चीज रिवील्ड करी जो काफी टाइम पहले रिवील्ड हुआ था कि पिज्जा डिलीवरी बॉय ने कंफर्म कर दिया था कि एंड्रू गारफील्ड ऑन सेट पाए गए हैं, जो कि एक्चुअल में सच था, वो बंदा झूठ नहीं बोल रहा था। और एक अपडेट आया है कि टॉम क्रूज की एक न्यू सेट इमेजेस आई है जिसमें कि वो आर्मर पहने हुए हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइन वाला, तो अगर आपको फुल वीडियो देखना तो आपको आई बटन पे देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के दो वर्जन है, PG-13 और आर रेटेड, अगर डिज्नी अप्रूवल रहा तो PG-13 और वरना फिर आर रेटेड मूवी बन सकती है। और साथ ही साथ एक और बेहतरीन कमाल का कैरेक्टर का अपडेट आया है एम्बाकू का, जिसका है नहीं है ब्लैक पैंथर 2 में एक बहुत बड़ा बिग रोल होने वाला है, अब वो क्या होगा मूवी देख के पता चलेगा। उसी के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज में मूवी में आपको जेन ग्रे और प्रोफेसर एक्स भी देखने को मिल सकते हैं यंग वाले, तो देखते हैं क्या होता है। और देन मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इतने सारे कैमियोज देख के। उसी के साथ एक न्यू बिहाइंड द सीन गार्डियन द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 की, जो कि अभी हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली है ज़ेंडा ने, तो आप चेक कर सकते हैं। और एक फाइनल अपडेट सोनी स्पाइडरवर्स से रिलेटिव, तो फाइनली स्पिन ऑफ केविन द हंटर मूवी की नेक्स्ट मंथ से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जो भी सैटरडे इमेजेस आएंगी आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello।